किसान साथियों नमस्कार, मैं पुनीत सिसोदिया। किसान साथियों, हाल ही में मार्केट में एक नया यूरिया लॉन्च हो चुका है जो है यूरिया गोल्ड के नाम से। जी हाँ, देखिए जो आप नॉर्मल यूरिया जो यूज करते आ रहे हैं अभी तक, जो साधारण यूरिया, जो नीम कोटेड यूरिया जो होता है, ये उससे जो हमारा यूरिया गोल्ड है उससे कहीं ज़्यादा बेहतर होने वाला है, यानी कि इसके बहुत ही शानदार रिजल्ट किसानों को मिलने वाले हैं। किसानों की जो जमीन है वो भी इससे बेहतर होगी, किसानों की फसल में उत्पादन बहुत अच्छा मिलने वाला है यूरिया गोल्ड से, और कीट व रोग भी कम आने वाले हैं। जी हाँ, यूरिया गोल्ड के बहुत शानदार रिजल्ट आपको मिलने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में हम यूरिया गोल्ड में ऐसा क्या है, क्या उसकी खासियतें हैं यूरिया गोल्ड की, और क्यों इतने बेहतरीन रिजल्ट मिलने वाले हैं उसके बारे में समझेंगे, यूरिया गोल्ड के बारे में डिटेल में समझेंगे। वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगा, एक तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर के साथ इसको शेयर भी कीजिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए जानते हैं। देखिए, यूरिया गोल्ड जो अभी भी लॉन्च हुआ है, ये जो यूरिया है ये है सल्फर कोटेड यूरिया। जी हाँ, इसमें क्या किया गया है कि वही जो हमारा यूरिया है उसको सल्फर से कोटेड कर दिया गया है। तो इसमें दो चीजें हमें देखने को मिलेंगी यूरिया गोल्ड के अंदर, एक होगा सल्फर और दूसरा होगा यूरिया यानी कि नाइट्रोजन। तो यहाँ इसमें नाइट्रोजन होगा, सल्फर होगा। सल्फर मैं आपको बताता आ रहा हूँ कि नाइट्रोजन के साथ सल्फर के बहुत ही शानदार रिजल्ट आते हैं, दोनों का जो कॉम्बिनेशन है बहुत ही बेहतरीन है हमारी फसलों के लिए। तो इससे जब हम नाइट्रोजन के साथ सल्फर उपयोग करते हैं तो नाइट्रोजन के अच्छे रिजल्ट आते हैं और शानदार बेहतरीन रिजल्ट आते हैं, और नाइट्रोजन जो है वो सल्फर के रिजल्ट को भी बढ़ा देता है, यानी कि ये दोनों जो सल्फर और नाइट्रोजन है एक दूसरे के जो रिजल्ट है उनको बेहतर करने का काम करते हैं, उनकी उपयोग दक्षता को और ज़्यादा बढ़ा देते हैं जिससे शानदार रिजल्ट आते हैं। देखिए, यूरिया गोल्ड के अंदर यदि हम बात करें कि नाइट्रोजन कितनी होती है, तो इसके अंदर नाइट्रोजन 37% आपको देखने को मिलेगी। जो हमारा नीम कोटेड यूरिया आता था उसमें जो नाइट्रोजन होती थी वो 40% थी, लेकिन इसके अंदर जो यूरिया गोल्ड है उसके अंदर नाइट्रोजन आपको 37% मिलेगी, उससे कम मिलेगी, लेकिन रिजल्ट जो आने वाले हैं उससे बेहतर आने वाले हैं। क्यों, मैं आपको आगे बताऊंगा, उससे बेहतर रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे, कीट व रोग भी आपको कम देखने को मिलेंगे। तो नाइट्रोजन इसके अंदर 37% होती है और सल्फर भी इसके अंदर 17% होती है, क्योंकि जो यूरिया है उसको सल्फर से कोटेड किया गया है, तो इसमें सल्फर होती है 17%। देखिए, अब इसको क्यों किया गया, यानी कि ये जो यूरिया गोल्ड है इसको लॉन्च क्यों किया गया है, तो इसके कई कारण हैं। पहला कारण कि हम अपनी फसलों में जो यूरिया है वो अंधाधुंध उपयोग कर रहे हैं, नाइट्रोजन का उपयोग अंधाधुंध कर रहे हैं, जिससे हमारी फसलों में कीट व रोग ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। तो हम यदि कोई भी किसान से डायरेक्ट बोले तो किसान समझने को तैयार नहीं है, वो यूरिया का उपयोग अंधाधुंध कर ही रहे हैं, लेकिन जब वो यूरिया गोल्ड का उपयोग करेंगे तो इसमें नाइट्रोजन कुछ कम कर दिया गया है और साथ में सल्फर ऐड कर दिया गया है। देखिए, देखा गया है कि हमारे देश की जो ज़्यादातर मिट्टी है, ज़्यादातर सॉइल है, उनमें सल्फर की कमी पाई गई है। सल्फर की कमी के कारण हमारी फसलों में तरह तरह के रोग आ रहे हैं, हमारा प्रोडक्शन बिल्कुल अच्छा नहीं मिल रहा है किसानों को, तो और किसान उसको जो सल्फर है उसको अलग से नहीं डाल रहे हैं, इतने किसान जागरूक भी नहीं है बहुत से किसान, तो वो सल्फर नहीं दे रहे हैं। तो इसलिए गवर्नमेंट ने क्या किया है कि जो यूरिया है उसको सल्फर से कोटेड कर दिया गया है, तो जिससे हमारी मिट्टी की जो उपजाऊ क्षमता है वो बढ़ती है, क्योंकि हमारी मिट्टी में सल्फर की पूर्ति होगी, और जब सल्फर की पूर्ति होगी तो उत्पादन बेहतर मिलेगा, और जो सल्फर है वो यूरिया के रिजल्ट को एनहेंस कर देगा। यानी कि बेसिक इसके अंदर 37% यूरिया है, लेकिन रिजल्ट आपको उससे बेहतर मिलने वाले हैं। दूसरा, सल्फर से कोटेड होने के कारण, जो यूरिया है उसको सल्फर से कोटेड होने के कारण जब हम यूरिया खेतों में फसलों में डालेंगे यूरिया गोल्ड को, तो ये धीरे धीरे रिलीज होगा, यानी कि जो नाइट्रोजन है वो धीरे धीरे लंबे समय तक हमारी फसलों को मिलेगी। अभी क्या हो रहा है कि हम यूरिया जो नीम कोटेड आता है उसको डालते हैं, वो तेजी से डिजॉल्व होता है, 6-7 दिन के अंदर पौधे को जो मिलना होता है मिल जाता है, बाकी का लीच कर जाता है। लेकिन उस समस्या से भी बचने के लिए कि लीच ना हो, तो उससे बचाने के लिए भी इसको सल्फर से कोटेड कर दिया गया है, और सल्फर से कोटेड कर उस एक तो लीच कम होगा, धीरे धीरे रिलीज होगा, लंबे समय तक पौधों को मिलेगा, और उसके साथ साथ हमारी फसलों में रोग व कीट कम आएंगे, क्योंकि फसलों में क्योंकि सल्फर की कमी है, सल्फर की पूर्ति होगी, और एक दूसरे दोनों के साथ होने से, यानी कि यूरिया के साथ नाइट्रोजन के साथ सल्फर, दोनों एक दूसरे के साथ होने से इनके जो रिजल्ट हैं वो एनहेंस हो जाते हैं, ज़्यादा बेहतर रिजल्ट इनके देखने को मिलते हैं। सल्फर आप जानते हैं हर फसल के लिए जरूरी है अच्छे उत्पादन के लिए,
और सल्फर अपने आप में एक फंजी साइड, फफूंदी नाशक का भी काम करता है, सल्फर माइटी साइड का भी काम करता है, यानी कि जो माइट्स हैं उनको भी कुछ हद तक कंट्रोल करने में इफेक्टिव है, फंजी साइड का तो ये काम करता ही है। देखिए ये जो यूरिया गोल्ड आया है नया वाला, यदि आपके खेत के अंदर पानी ज्यादा भर गया है, बारिश ज्यादा हो गई है और पानी जलभराव ज्यादा हो गया है, तो उससे क्या होता है, जब नमी ज्यादा हो जाती है सॉइल में, तो जो हमारी फसलें हैं वो मुरझाने लगती हैं, क्योंकि उनमें विल्ट आ जाता है, जड़ें गलनी शुरू हो जाती हैं। तो उस समय यदि ये यूरिया गोल्ड जो आया है आप इसका छिड़काव अपने खेत के अंदर कर देंगे, तो ये नमी को बहुत तेजी से सोखेगा और जो विल्ट है विल्ट की समस्या को वहीं रोक देगा, यानी कि काफी हद तक कम करेगा। और बाद में फिर आप तो जैसे ही मिट्टी ड्राई होती है फंजीसाइड का ड्रिंच कर दीजिए, तो आप देखेंगे कि बहुत आपकी जो फसल है वो सेफ हो जाएगी, बच जाएगी और आपको उत्पादन अच्छा मिलेगा। तो जो यूरिया गोल्ड है काफी बेहतर है, हर किसान को इसका उपयोग जरूर करना चाहिए। देखिए नीम कोटेड यूरिया भी अच्छा था, लेकिन उसमें क्या है कि वो बहुत तेजी से डिजॉल्व हो जाता है, दूसरा उसमें केवल नाइट्रोजन ही मिलता है और कोई तत्व नहीं मिलता है, इसमें हमें सल्फर भी मिल रहा है नाइट्रोजन भी मिल रहा है, तो दो पोषक तत्व इसमें मिल रहे हैं और जो बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है दोनों का। सल्फर मैं बताता हूँ कि आपको जरूर उपयोग करना चाहिए, और मैंने अपनी वीडियो में आपको ये भी बताया कि यूरिया के साथ सल्फर के बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं, और साथ में जिंक भी ऐड कर लें तो और भी शानदार रिजल्ट आते हैं, यानी कि नाइट्रोजन सल्फर और जिंक तीनों को एक साथ देने में बहुत शानदार रिजल्ट आते हैं। तो गवर्नमेंट ने पहले ही यूरिया गोल्ड लॉन्च करके आपको जो नाइट्रोजन है सल्फर है एक साथ दे दिया है, और इसके अभी प्राइस डिक्लेयर नहीं हुए हैं, जो यूरिया गोल्ड है अभी प्राइस जो है उसके अभी नहीं है बताए हैं, लेकिन प्राइस आपको वही मिलने वाले हैं जो आप यूरिया अभी खरीदते हैं, जो हमारा नीम कोटेड यूरिया आता है उसी प्राइस के प्राइस में उसी रेट में आपको ये मिलने वाला है, तो प्राइस इसके ज़्यादा हाई बिल्कुल भी नहीं होंगे, तो ये बहुत अच्छा है, आप इसको जरूर उपयोग करें। तो किसान भाइयों उम्मीद है जो आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर के साथ इसे शेयर कीजिएगा ताकि उन तक भी जानकारी पहुंच सके। मिलूंगा मैं आपको एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा, धन्यवाद।